नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पीसीसी सचिव कमलनाथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाहर मौजूद आउटसोर्स कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की। आउटसोर्स कर्मचारियों को कमलनाथ ने आश्वासन दिया सरकार में आने पर उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। पीसीसी सचिव कमलनाथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाहर मौजूद आउटसोर्स कर्मचारियों से मुलाकात की। आउटसोर्स कर्मचारियों को उन्होंने आश्वासन दिया उनकी सरकार आई, यानी कांग्रेस की सरकार आई तो जरूर मांगे पूरी होंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो सुबह से ही बड़ी संख्या में जमे हुए हैं, और जिस तरीके से उनकी मांगे हैं नियमितीकरण को लेकर, जो जिन कर्मचारियों को निकाला गया उनको उनकी बहाली की मांग को लेकर, और व्यावसायिक जो प्रशिक्षक हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में मौजूद है। और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ उनसे मुलाकात करने पहुँचे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। वो ये जानना भी चाहते हैं कि जिस तरीके से लंबे समय से वो एक ये मांगें करते रहे हैं लेकिन उनकी मांगों पर अब तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसे में जब आगामी समय में विधानसभा चुनाव होंगे तो इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की क्या भूमिका उनकी मांगों को लेकर होगी, इस सभी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कर्मचारियों के बीच पहुँचे हैं। चर्चा लगातार जारी है, देख सकते हैं आपके बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारियों के साथ साथ कांग्रेस के भी पदाधिकारी मौजूद हैं, और खुद कमलनाथ जो हैं वो यहाँ पर कर्मचारियों से चर्चा कर रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि उनकी मांगे किस तरीके से हैं और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर सरकार से वो चर्चा कर सकते हैं, या फिर जब 2023 में सरकार बनाने का कमलनाथ दावा कर रहे हैं तो उस दावे के बाद किस तरीके से हालात जो हैं मध्य प्रदेश के वो सुधार सकते हैं, इसको लेकर एक बड़ा ही प्रयास यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। और यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जो हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँचे हैं, और उसको लेकर जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आपके कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, पदाधिकारी पहुँचे हैं और उनके साथ में जो कमलनाथ हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अब कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े हैं। और जो कर्मचारी हैं उनसे ही हम बात करते हैं, जिस तरीके से लगातार कमलनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं और पदाधिकारियों से क्या उनकी चर्चा हुई है, कमलनाथ आपके बीच में पहुँचे थे किस तरीके की चर्चा हुई है? उन्होंने हमें विश्वास दिया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आएंगे तो आप लोगों को जो ये आउटसोर्स और ठेका प्रथा से समाप्त कर देंगे और विभाग में सविलियन कर देंगे, ये आश्वासन दे के गए। हम लोग बहुत पीड़ित हैं और शोषित हैं, हमारी आवाज़ जो है हम बोलना चाह रहे हैं तो सरकार हमारे हमें कहीं बैठने नहीं दे रही है और जो है हमारी आवाज़ दबा रही है। हम देखिए सरकार जो है सरकार के आरोप सीधे तौर पर है सरकार पर कि वो आवाज़ दबा रही है, और जिस तरीके से अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ जो है वो उन्होंने आश्वस्त कर्मचारियों को किया है कि वो सरकार में आते ही उनकी मांगों पर पूर्ण तरीके से गंभीरता से विचार किया जाएगा, और विचार करने के बाद जो उनकी मांगें हैं उनको यहाँ पर पूर्ण करने का प्रयास जो है कांग्रेस की कमलनाथ सरकार करती हुई 2023 के बाद नजर आएगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल।